हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र भ्रमण में लग गए हैं। वहीं सिली प्रखंड के जिला परिषद प्रत्याशी पूर्णिमा सिंह देव सिली पूर्वी जिला परिषद उम्मीदवार है। उन्होंने अपने जनसंपर्क अभियान आज सिली के विभिन्न गली मोहल्ला में चलाया, लोगों से डोर टू डोर संपर्क किया और अपने पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्र में पानी, सड़क और स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो इन कार्यों को सबसे पहले करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की स्थिति जर्जर है और बहुत जगह पानी की समस्या देखने को मिला है। इन कार्यों में सुधार लाने की जरूरत है। उन्होंने चुनाव चिन्ह टेम्पो छाप में लोगों से वोट करने की अपील की। खड़े हुए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आए हैं चुनाव में? जीत के आते हैं तो आपका प्रथम काम क्या होगा? प्रथम काम होगा पहले पानी, स्वच्छ पानी। जो पानी एक जीवनदायी दिए है तो उसको पहले मैं समस्या का हल करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद क्योंकि वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और फुलवार का रोड होगा, और उसके बाद रोड होगा जिसमें कि दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को जैसे प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो, उन लोगों को जैसे हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना, हेल्थ के विषय में, फिर स्कूल पहुँचाना बच्चे को ऑन टाइम, आपका जनता से क्या अपील होगा, क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के सिलीवासी?